हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं गुम्बदे खिजरा कैसे बना। तो तो चलिए बड़े चलें शुरू करते हैं। और सब्सक्राइब करिए इल्म-ए-दीन सुन्नी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वो तुर्कियों ने कैसे गुम्बद तामीर किया मालूम है? उसकी तारीख पढ़ी है आप? खुदा की कसम, जब उनके तामीर की तारीख पढ़ोगे तो आंखों से आंसू आने लगेंगे आपके। जब तुर्की के उस वक्त का पाशा जो था, बादशाह था, उसको पाशा कहा जाता था, तुर्की के बादशाह को। पाशा ने जब चाहा कि हम गुम्बद खजरा की तामीर करें, उससे पहले लकड़ी का गुम्बद था, उसने कहा हम पत्थरों का गुम्बद बनाएंगे, मजबूत गुम्बद बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन कारागिरों को बुलाया जा रहा है, दुनिया भर के बेहतरीन नक्काश, नक्काशी करने वाले, बेहतरीन संतराश, बेहतरीन आर्टी जो है उस वक्त के इंजीनियर, बेहतरीन आर्किटेक्ट, सबको जमा किया गया। अब जाहिर सी बात है, सब तो मुसलमान थे नहीं, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। तो पाशा ने कहा कि मेरा इश्क गवारा नहीं करता कि नबी की मस्जिद नबी और नबी के गुम्बद खजरा की तामीर गैरों के हाथों। इसलिए उल्मा को उसने जमा किया और कहा कि अपनी औलादों को आलिम भी बनाओ और आलिम बनने के साथ इनकी शागिर्दी में दे दो, ताकि ये आलिम होने के साथ साथ संतराशी का भी हुनर सीखे, आर्किटेक्ट भी अपने वक्त के हो, इंजीनियर भी हो, अपने वक्त के बेहतरीन कारागीर हो, और जब ये टीम तैयार हो तो मैं इनके हाथों गुम्बद खजरा की तामीर का इरादा रखता हूँ। भले इसके लिए हमें इंतजार करना पड़े, वो इंतजार हमें मंजूर है। उल्मा ने अपनी अपनी औलादें उन्हें उनकी शागिर्दों में दे दिए, बड़े बड़े बेहतरीन उस वक्त के इंजीनियर जो थे दुनिया के, बेहतरीन नक्काशी करने वाले, बेहतरीन डिजाइनर, बेहतरीन संगतराज, पत्थरों को तराशने वाले, बेहतरीन किस्म के जैसे जैसे हुनरमंद थे, सबकी शागिर्दियों में वो सीखते हैं। उलमा के शहजादे, उलमा के साहबजादे, एक तरफ वो आलिम दीन भी बन रहे हैं, हुफाज कुरान भी बन रहे हैं, दूसरी तरफ वो हुनर भी सीख रहे। 25 साल का अरसा गुजरा, 25 साल तक पाशा ने इंतजार किया, और 25 साल के बाद अब जो कारागिरों की टीम तैयार हुई, सब सुन्नी सही अकीदा मुसलमान थे, सब हाफिज कुरान भी थे, सब आलिम दीन भी थे, और साथ में वक्त के बेहतरीन कारागिर भी थे। यह टीम तैयार हुई, 7 मील मस्जिद नबी से, रोजे रसूल से 7 मील या 10 मील की दूरी पर एक सेंटर कायम किया गया। कहा कि पत्थर यहाँ तराशे जाए, रोजे रसूल के पास नहीं, कि इस पत्थर के तराशने से जो आवाज पैदा होगी इससे भी रसूल को तकलीफ होगी। ये मोहब्बत थी उनकी, पत्थरों को हथौड़े से यहां ना मारा जाए, पत्थर यहां ना छीले जाए। पत्थरों सेंटर में छीले जाते, नक्काशियां वहां होती, गाड़ियों पर लाद के पत्थर लाए जाते, नसब किए जाते। अब जाहिर सी बात है, कभी माप बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। अब बड़ा हो गया, पत्थर को तराशने की जरूरत है, जानते कि बस थोड़े सा 2-4 हथौड़ी छोटी छोटी मारेंगे, पत्थर बराबर लेवल में आके नस्ब हो जाएगा। मगर इजाजत नहीं है कि साहब थोड़ी सी भी हथौड़ी चलाई जाए, हथौड़ी चलाने की इजाजत नहीं, शोर करने की इजाजत नहीं, थोड़ा सा भी मारने की जरूरत होती पत्थर फिर वापस ले जाया जाता, ले जाने के बाद फिर तराशा जाता, फिर लाया जाता। तो एक एक पत्थर को कई बार लाना ले जाना पड़ता, मगर एक गवारा किया गया। और हुक्म दिया पाशा ने, जितने कारागिर तैयार करे सब बावजू हो, बावजू होकर पत्थरों को हाथ लगाया जाए, बावजू होकर गाड़े उठाया जाए, बावजू होकर पत्थरों को नसब किया जाए। खबरदार, अगर किसी का वजू टूट जाए, वो पत्थर को ना छुए, वो पत्थर को हाथ ना लगाए, इसलिए कि इससे गुम्बद खजरा की तामीर हो रही है, इससे रसूलुल्लाह का गुम्बद तामीर हो रहा है। और जब पत्थर लगाते थे, गारे उठाते थे, घमेलों से मसाले देते थे, सब हाफिज कुरान, सब आलिम दीन, जो गारा उठा रहा है कुरान की तिलावत करते हुए उठा रहा है, जो गारा ले रहा है कुरान की तिलावत करते ले रहा है, जो गारा लगा रहा है कुरान की तिलावत करते हुए लगा रहा है, जो पत्थर नसब कर रहा है कुरान की तिलावत हो रही। वजू टूटा, पत्थर छोड़ दिया गया है, घमेले रख दिए गए हैं, मसालों को छोड़ दिया गया है। जब तक वजू नहीं करता, दोबारा पत्थरों को हाथ नहीं लगाता। इतनी पाकिजगी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी उल्फत के साथ गुंबद खजरा तामीर किया है। वाह, तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। और मतलब इस गुम्बद की तामीर का पहली बार हमें पता चला कि इतनी खूबसूरती से इसे तामीर किया गया है और एक भी गैर मुसलमान इसमें शामिल नहीं था। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब उन्हें मतलब ये बनाना था
तो मतलब उन्होंने बहुत से कारीगरों की फौज बनाई, लेकिन हुआ ये कि मतलब उन्हें लगा कि जो नबी का है मतलब ये निशानी बहुत बड़ी है, तो उसको मतलब किसी और के हाथ से नहीं सिर्फ मुसलमानों के हाथ से बनाया जाए। तो उन्होंने लोगों को हुक्म दिया, हुक्म ने मतलब बताया कि आपके लोगों को, आपके बच्चों को आलिम भी करो, साथ साथ ये भी तालीम दो। तो 25 साल उन्होंने इंतज़ार किया, और 25 साल के बाद जब वो बच्चे बड़े हो गए, जाहिर सी बात है 20 साल या 25 साल के बच्चे बहुत अच्छे से काम करते हैं, और तब वो जाकर मतलब सभी काम पे लगे और ये सब कुछ हुआ। तो हम देख रहे थे विजुअल्स की कितना खूबसूरत था वो। और एक हाँ, एक बात का ध्यान रखा गया है, और बहुत खूबसूरती से। और तुर्की के वहाँ हुक्मरान को उस समय पाशा कहा जाता था, पर और उसने ये हुक्म दिया था कि कितनी भी साल लग जाए पर ये मुसलमानों के हाथों से ही बनेगा। और जब किसी का वजू टूट जाता था तब फिर सब कुछ काम रुक जाता था, और फिर से सब कुछ वजू होने के बाद ही वो काम फिर से मतलब अपनी मतलब जो काम पे लग जाते थे वो। हाँ और वहाँ पर जो पत्थर मतलब पत्थर को एक जैसा करने के लिए उसे फोड़ा जाता है, तो वो नबी के जो मतलब निशानी है उसके पास वो इजाज़त ही नहीं थी उसे फोड़ने की, क्योंकि वो नबी को उसकी मतलब कोई तकलीफ़ होती उस आवाज़ से, मतलब ऐसा लोग मतलब उन्हें लगता था, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर परमिशन भी नहीं दी। और तो इसी वजह से शायद से लोग कहते हैं कि नबी अपने कब्र में आज भी जिंदा है, हाँ क्योंकि उन्हें आज भी उस आवाज़ों से तकलीफ़ होती है, ये लोगों का मानना है। और इसलिए उस समय भी जो इस गुंबद के लिए एक पत्थर तराशे गए थे वो 7 मील दूर वहाँ से तराशे गए थे, और वहाँ से वो लाए जाते थे वहाँ पर। और एक एक मतलब पत्थर को इतनी बारीकी से तराशा गया था कि उसमें कोई कमी नहीं मतलब नज़र आती थी। और आज हम सभी को पता है कि ये कितना खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हरे रंग का है, और ये इसी वजह से शायद इस्लाम का प्रतीक है कि ग्रीन कलर होता है। तो तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत था, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।